अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, जो अपराधी है वो गिरफ्तार है, तत्काल पकड़ लिए गए। मैंने कल भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जी, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, इनके बीच में कहा। मध्य प्रदेश ने एक विधेयक पारित किया कि मासूम बिटिया से अगर कोई दुराचार करे तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में कानून बना के इसको लागू कर दिया है। हमने कोर्ट से ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो, निश्चित समय सीमा में हो। लोअर कोर्ट ने दिनों रात मेहनत करके पहले भी 22 दिन में फांसी की सज़ा सुनाई। इस मामले में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करे और महीने दो महीने में फांसी की सज़ा सुनाए, क्योंकि लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, तो ये बहुत जल्दी किया जा सकता है। और जब तक उन हत्यारों, उन रेपिस्टों को फांसी की सज़ा नहीं होगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं पत्र भी लिख रहा हूँ माननीय न्यायालय को कि वो फास्ट कोर्ट बनाए और ये हत्यारे फांसी के फंदे पर लटकें। ये हत्यारे, इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि रेप करना भी हत्या करने से बड़ा अपराध है, और विशेषकर मासूम बेटी के साथ। ये धरती के बोझ है, ये पापी इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। दूसरे, वो बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, मेरी बेटी है, उसका स्वास्थ्य और उसकी सारी चिंता हम जीवन भर करेंगे। हमारा प्रयास लगातार ये रहेगा कि उसका भावी जीवन इससे प्रभावित ना हो। ये जो रेपिस्ट होते हैं, इनका कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, इसलिए उनको, जैसा आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर के जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। और मैं तो एक बात इससे आगे भी चल करके कहता हूँ कि दुराचार और व्यभिचार को जिन चीज़ों से बढ़ावा मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, या हमारी सीरियल्स में, पिक्चरों में, जहाँ जहाँ अश्लीलता और नारी को मात्र भोग की वस्तु करके महिमामंडित किया जाता है और इतना ज़्यादा भोग वासना को तूल दिया जाता है और उसको इस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है, तो उससे एक अनावश्यक समाज के अंदर आकर्षण पैदा होता है। इसके ऊपर भी सरकारों को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक रेप के जो कारण हैं उनके निवारण नहीं होगा, तब तक स्थायी समाधान नहीं होगा। साथ साथ में सदाचार जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक दुराचार नहीं रुकेगा। तो योग और अध्यात्म की शिक्षा हमारे स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालयों तक हो, जिससे कि सदाचार बढ़े, व्यक्ति का मन आत्मा पवित्र हो, तो ये दुराचार जैसी घटनाएं जिससे भारत कलंकित होता है वो ना हो।